हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। और होम फूड रेसिपीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाज़ियाबाद का मशहूर ऑमलेट। बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी होता है, जिसे हम गांधी ऑमलेट के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है खाने में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो गांधी ऑमलेट बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने लिए हैं 4 eggs, 50 ग्राम बटर, 1 chop टोमेटो, 1 chop अनियन, कोरिएंडर लीव्स, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon सॉल्ट एंड 1 green chili। तो आइए बनाना शुरू करते हैं गांधी ऑमलेट। तो इन एग्स को मैंने तोड़ लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे अभी सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ कम में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो बटर का यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्टी बटर है, और ब्लैक पेपर, और इसे बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाए। तो देखिए ये कितना फ्लफी हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा फ्लफी बनाना है इसको। तो अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। और यहाँ हम पैन गरम करेंगे। और जब ये पैन गरम हो जाएगा तो इसमें हम बटर डाल देंगे। तो ये गाजियाबाद एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ऑमलेट, और लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें यहाँ ये बटर डाल देंगे। और इसे अच्छे से चारों तरफ पैन के लगा लेंगे इस तरह से। और ये बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी भी है, बिकॉज इसमें हम वेजिटेबल्स का भी यूज कर रहे हैं। और ये फ्लफी ऑमलेट बहुत ही यूनिक तरह की रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अब जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ये ऑमलेट डाल देंगे। लीजिए, बटर मेल्ट हो गया है और फ्लेम इसकी हमने लो कर दी है। इस तरीके से इसको डालना है अच्छे से। और अब थोड़ी सी फ्लेम इसकी हम मीडियम कर देंगे और इसे जब तक सेकेंगे, ये नीचे से जब गोल्डन ब्राउन हल्का सा हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो 1 मिनट हो गया है और मैंने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। अब हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स डालेंगे, अनियंस डाल देंगे थोड़ी सी, इससे ये बहुत ज्यादा कलरफुल भी हो जाएगा और जायकेदार भी। देखिए कितना अच्छा फ्लफी हो रहा है ये। और अब ये टमेटोज डाल देंगे। इस तरह से और अब ये ग्रीन चिली। और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। और बस अब हम देखेंगे कि इसके किनारे अलग हो गए हैं कि नहीं, और अगर हो गए हैं तो इसे पलट देंगे हम। तो देखिए किनारे इसके बिल्कुल अलग हो गए हैं। और अब इसे ऐसे करके धीरे धीरे
खाएंगे हम इसे धीरे धीरे। तो इसको हमने पलट दिया है अब, और अब यहाँ थोड़ा सा बटर हम डालेंगे ताकि नीचे से भी सिक जाए, और फ्लेम अपनी बिल्कुल लो रखेंगे। और जब ये नीचे से सिक जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। तो अब ये नीचे से सिक गया है, अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा कलरफुल हमारा फ्लफी ऑमलेट बनके तैयार हो गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जरूर पसंद आएगा, और इस मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ होम फूड रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।